हे गाइस, सो आप सबका फेवरेट टॉपिक पे वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। आप सबका फेवरेट टॉपिक जो है ये वीडियो। जी हाँ, मैं अगेन आ गई हूँ हेयर रिलेटेड वीडियो लेके। ये है मेरा हेयर का लेंथ एंड देन हेयर का लुक। सो लास्ट वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर की थी कि मैं अपने हेयर केयर में क्या इंक्लूड की हूँ, इस मानसून में अपना हेयर में क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं लेके आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो जो हेयर टॉपिक में है। आई होप आपको आप सबका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आप सबके साथ शेयर की थी लास्ट वीडियो में कि मेरा इस तरफ जो है ना थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने शेयर किया था। तो मैं कुछ ऐसा कुछ अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे हेयर रीग्रोथ में हेल्प मिले, क्या है नहीं है सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी आज के वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना आजकल ना हेयर प्रॉब्लम सबको है, इसीलिए प्रॉब्लम है मैन एंड वोमेन, इसलिए सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टाइप का वीडियो देखना है। सो चलिए शुरू करते हैं। हेयर फॉल काफी हद तक ठीक हो गया, बट अभी मानसून के कारण ना थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा था, इस साइड में मेरा थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था, तो इसीलिए मैं एक कुछ प्रोडक्ट ही मैं हेयर रेमेडी में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, अभी भी करती हूँ। बट अभी क्या है, इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल में ना हेयर रेमेडी को प्रिपेयर करना, उसको अप्लाई करना, उसके रिजल्ट के लिए वेट करना, उतना टाइम अभी नहीं है किसी का इतना बिजी शेड्यूल में, इसीलिए हेयर रेमेडी के ही जैसा अच्छा 100% रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छा अच्छा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है, खाली उसको रिसर्च करके निकालना है। तो वैसे ही मुझे एक प्रोडक्ट मिला है जो कि मैं अपने अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद मैंने सोचा कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए जो कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, तो आई होप उनको सबको भी हेल्प मिल सकता है या आप सबको अच्छा लग सकता है। तो वो प्रोडक्ट जो है आइवोरी का नेचुरल रीग्रोथ हेयर सीरम, जिसको मैं यूज कर रही हूँ अपने हेयर पे, और यूज करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है। तो ये ना काफी नेचुरल मुझे इंडिया है जो कि हम सबको बहुत पसंद आएगा, मेड इन इंडिया है, वेगन प्रोडक्ट है, और इसमें पैराबेन फ्री है, उस मिनरल वाटर फ्री है, और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना काफी नेचुरल है, काफी नेचुरल। तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखा ही हुआ है, तो तब पर भी मैं थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ। कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है, ऑलिव ऑयल है, सीड ऑयल, लेमन एक्स्ट्रा, इसमें सारे बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो कि मुझे नेचुरल लगा, और ये वीगन है, मेड इन इंडिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आपको इसका थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं, इसको कैसे यूज करना बता देते हैं, इसका टेक्सचर बता देते हैं, इसका फ्रेग्रेंस बता देते हैं। बॉटल है ना, ये ग्लास का बॉटल है, प्लास्टिक का नहीं है, ग्लास बॉटल है। तो जस्ट ऐसा ड्रॉप पर में दिया हुआ है, बहुत ही इजीली आप इसको लेके आपके हेयर के रूट में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात करूं, इतना अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है ना, मानो कि आपके हेयर में परफ्यूम स्प्रे किया हुआ है। मैं अभी भी लगाई हूं तो मुझे अभी भी स्मेल आ रहा है, तो काफी अच्छा इसका स्मेल है, फ्रेग्रेंस है इसका, और इसका जो सीरम का कंसिस्टेंसी है एकदम ही वाटरी वाला है, जैसे एलोवेरा सीरम जो हम लोग घर पे बनाते हैं उसका कंसिस्टेंसी जैसा रहता है, जस्ट लाइक वैसे ही है इसका सीरम का कंसिस्टेंसी। और इसका फ्रेग्रेंस तो बहुत सुंदर, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो इसको आपको हेयर में कैसे अप्लाई करना है चलिए उसको भी दिखा देते हैं। सिंपली आपको हेयर को पार्ट करना है और ऐसे रूट में अप्लाई करना है। और उसके बाद ना फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना है। रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करना है। और ये ना अप्लाई करने के बाद ना आपके हेयर ना एकदम चिपचिपापन नहीं होगा, बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगा आपके हेयर।
इसको आपको 1 to 2 months अप्लाई करना है, देन आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आज लगाया और कल हेयर ग्रोथ हो गया, ऐसा नहीं है। तो 1 to 2 months आपको लगाना है इसको, वीकली 2 days and 3 days करके, देन आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आप हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो जो कौन सा बेहतर है नहीं है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना सजेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। बाय बाय, टेक केयर।